ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन नगर परिषद में आजकल सफाई कर्मचारियों ने हल्ला बोल दिया है। नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। ये सभी सफाई कर्मचारी सोलन में चलाई जा रही डोर टू डोर कूड़ा एकत्रित करने के कर्मी हैं। ये सभी कर्मी सुबह सुबह सोलन के वार्डों में जाकर घरों से कूड़ा एकत्रित करते हैं। नगर परिषद से योजना के तहत इन्हें करीबन 8,000 रुपए प्रति माह मेहताना भी मिलता है। कर्मियों का आरोप है कि नगर परिषद के अधिकारी काम के नाम पर उनका शोषण कर रहे हैं और कई घंटों तक उनसे सफाई करवाई जाती है। सोलन नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों ने हल्ला बोल दिया है और नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ये सभी सफाई कर्मी सोलन में चलाई जा रही डोर टू डोर कूड़ा एकत्रित करने वाले कर्मी हैं। ये सभी कर्मी सुबह सुबह सोलन के वार्डों में जाकर घरों से कूड़ा एकत्रित करते हैं। नगर परिषद से योजना के तहत इन्हें करीबन 8,000 रुपये मेहनताना भी मिलना चाहिए। कर्मियों का आरोप है कि नगर परिषद के अधिकारी काम के नाम पर उनका शोषण कर रहे हैं और कई घंटों तक उनसे सफाई का काम करवाया जाता है। सफाई कर्मियों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि नगर परिषद ने उन्हें घर घर जाकर कूड़ा एकत्रित करने का जिम्मा दिया है, लेकिन अब वे उनसे इस कार्य के अलावा शहर की सफाई का काम भी करवा रहे हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि उनकी ड्यूटी का समय 8 घंटे है, लेकिन उनसे 16 घंटे काम लिया जा रहा है। ऊपर से अधिकारी उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं, इसलिए वे अब केवल 8 घंटे ही काम करेंगे और किसी भी तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और केवल डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए रखा गया है, तो वे काम भी यही करेंगे। अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती हैं तो आंदोलन उग्र करने पर वे मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी नगर परिषद सोलन की होगी। तो हमें टाइम पर तनख्वाह नहीं मिलती, 15-15, 16-16 तारीख हो जाती है और हम दफ्तर में आते हैं। हमारे डोर टू डोर के लिए रखा गया था और डोर टू डोर में हमारा वो काम डोर टू डोर वाला नहीं चलता, हमसे सफाई का काम भी एक्स्ट्रा लिया जाता है और जो हम अपनी सिलसिला उठाते हैं तो हमसे बदतमीजी से पैसा आ जाता है। डोर टू डोर में घर घर का काम करते हैं कूड़ा उठाने का, वो भी काम करते 100-100 घरों का कूड़ा उठाते जनाब। उसके बाद इतने घर उठाते फिर भी हमें बंदे को बोलते बोले आओ सफेद भी करो, बताओ जो पक्के बंदे काम वो भी हमसे लिया जा रहा है। बहुत दिक्कत है जी, ना हमें ग्लव्स है ना किसी चीज की, सुविधा भी तो नहीं मिलती हमें, बताओ गंद में पड़े रहते हम तो। और डोर टू डोर का जो काम है हमारा, सिर्फ डोर टू डोर ही कराया जाए हमारे से, पर ये क्या करते हैं हमारे से सफेद झाड़ू का भी कराया जा रहा है, सब चीजें कराया जा रहा है, फिर कोई सुविधा नहीं हमारे पास। और फिर मतलब वो ज्यादा दिक्कत तो है ही, परेशानी है, तनख्वाह भी टाइम से नहीं मिलती हमारी और बंदों को ज्यादा परेशान किया जा रहा है जी। दिक्कत है, हमने अपने डीसी साहब को दी थी एप्लीकेशन, दी थी ईओ साहब को अपने एप्लीकेशन दी थी, तो उन्होंने कहा था कि आप डोर टू डोर ही काम करो, ना झाड़ू लगाओ ना कुछ करो। कमेटियों को जो कितनी बारी बोल सके, कमेटी वाले कोई नहीं सुनता, सब अफसर है अकड़ दिखाते हैं। सब एक ही बात धमकी में चलो, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो हमारी है ही नहीं, मैं तो बाहर मार देते लात हैं, क्यों कहते बाहर जाओ। जो हमारी इन्होंने मांगे नहीं सुनी तो हम इससे भी ज्यादा पंगा उठाएंगे, हड़ताल भी करेंगे, जो हमारे से होगा हम करेंगे जी। तो इससे ज्यादा गंध फैलेगा सोलन के अंदर, कोई सफा करने वाला भी नहीं मिलेगा और इस सोलन में ऐसा हाल होएगा ना कि मक्खी भिड़केगी। सर हमें 8,500 रुपए पेमेंट देते हैं, इसमें क्या होता है 11-11, 15-15 तारीख को हमारी पेमेंट आती है। इनका टाइम टेबल कुछ नहीं, अब बताओ छोटे मोटे बच्चे हमारे पढ़ते लिखते हैं, क्या करे किराए।